मेरे साथ सही से थे, फिर उसके बाद मार पीट करना, सब कुछ करना, अपने तुम्हारे मारे हमको सोनू से भी मरवाए थे। कौन सोनू? मैनेजर जी, अपने मैनेजर। मैनेजर आपको मारता जी? उसका वीडियो में रखे, अपने सोनू मैनेजर से हमको मरवाया। और उन्हें तो आप भाई मानती हूँ? भाई मान, देवर मानते थे इन लोग, बना के खिलाए, इन लोग का झूठ मारे हम, सब कुछ किए हैं। उसके बाद भी हमको ये अपने तुम्हारे मरे, सोनू मैनेजर से भी मरवाए, मेरा पूरा कपड़ा ये फाड़ दिया था। फिर हम डर के मारे, हम भी एक हाथ उठाए थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी एक हाथ उठाए, जब हम कुमार पड़ रही थी तो हम भी एक हाथ उठाए थे। फिर पेट में प्रमोद प्रेमी हमको लात से मारते हैं, जो कि उस समय हम 2 महीने का मतलब प्रेग्नेंट थे। फिर मेरा मतलब बहुत मेरा हालत खराब हो जाता है। फिर मार पीट के हमको घर में गिरा के ऊपर तो मारे ही मारे, यहाँ पे भी हमको बहुत मारे थे। मारने के बाद हमको छोड़ के लोग भाग गए। फिर हमारे भैया वहाँ आए लोग, फिर वो लोग ले के हॉस्पिटल हमको गए। कौन भैया? वो आपके यूपी से? जी जी, मेरे यूपी से। यूपी से आपको ये भी कहा जा रहा था कि आप पहले से शादीशुदा है, आपकी बच्ची भी नहीं, इसमें कितनी सच्चाई नहीं, कुछ भी नहीं। शिव कुमार कौन है जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? अच्छा ये बताइए, हम 2012 से इनके साथ हैं, और वो जो कार्ड है ना 2014 उस पे दिखा रहा है, 2014 दिखा रहा है। अब 2015 में मेरा सारा डॉक्यूमेंट प्रमोद प्रेमी के नाम से है। 2015 में सारा बना। शिव कुमार कौन है ये तो प्रमोद जी बताएंगे, ये तो जब वो एग्जाम लगा तो आप उसको पति लिखा हुआ है आपका। तो अब वो तो कंप्यूटर से भी बन जाएगा ना, वो तो कंप्यूटर से बन जाएगा क्या? जो कार्ड दिखाया जा रहा है? नहीं, वोटर कार्ड तो इनके साथ का है। इनके साथ का नहीं, तो जो भी है सब फर्जी है। हाँ, जो ये सब फर्जी है, जो मतलब अभी आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, विदेश का वीजा पासपोर्ट है, जब सब इन्हीं के नाम पे है। अच्छा, कब आपको पता चला कि प्रमोद प्रेमी यादव की 3-4 शादियां आपके लिए मुंबई में भी उन्होंने रख रखा? अभी रखा नहीं है, शादी कर लिए। ये इसी उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए हम सोशल मीडिया में लोग मेरा इज्जत ले लिया, हम किसी का क्यों इज्जत ले। तो ये लग रहा है 3 शादियां हैं, तीसरी शादी कर लिए। पहले इनकी जो घर पर है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी उधर है। 3 शादियां रखा है, एक को गांव पर, एक को आरा में, और एक को मुंबई में 3 तरह रखा है। तो जब आपको पता चला पटना में रहते हैं, पटना में उसको बुलाएंगे, 2-3 दिन वो रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे बुलाएंगे, वहाँ पे भी रखते हैं। और रखने के बाद आप जाके वहाँ भी पता करिए कि एक लेडीज आती है, कंटिन्यू उस रूम में रहती है, आती है 2-3 दिन में चली जाती है। ये भी मतलब जब वो नहीं आती है तो ये जाते हैं फ्लाइट से मुंबई में, 3-4 दिन अपना रहते हैं, उसके रूम पे ही रहते हैं, उसके बाद ये आते हैं। तो अभी जब अपनी पहली पत्नी को आप नहीं दिखाए सोशल मीडिया में, 4 महीना पहले आप दिखा रहे थे, तो मुझे कहाँ से दिखाएंगे, मुझे कैसे बताएंगे? जब अपनी खुद की पत्नी को 4 महीना पहले आप डाले हैं, तब हम देखे हैं कि इनकी पहली पत्नी है, जो कि मेरे से बोला गया था कि मेरा शादी हुआ था, हम छोड़ दिए। हाँ, अच्छा, आपसे बोला गया था कि उनका शादी हुआ है लॉकडाउन में? हाँ। लॉकडाउन में जब हल्ला हुआ था तो ये बोले मेरा शादी हुआ था, हम छोड़ दिए। यही पूरा लोग यहाँ भरे थे जब पंचायत हो रहा था, तो हम सोचे कि चलो जाने, तो छोड़ दिए हैं। पर 2012 से आप उनके साथ हैं जी? उनकी शादी उससे भी पहले हुई है? नहीं, हाँ, नहीं, उनके 2012 में जब हम उनके घर पे गए थे तो कुछ भी ऐसा नहीं। उनकी शादी कब हुई? तो पहले ये तो मुझे नहीं पता, मतलब आपके बाद में? हाँ, क्योंकि मैं पहले गई हूँ उनके घर में, मैं पहले गई हूँ, तो मैं अपने आप को ही पहले मानती हूँ, क्योंकि पहले मैं ही जानती थी कि मैं इनके लाइफ में हूँ, मैं इनकी बीबी हूँ। कि चलो ठीक है, आज गरीब है, उस समय प्रमोद प्रेमी कुछ भी नहीं थे, आप उठा के देख लीजिएगा, कुछ भी मतलब उनके बारे में देखिएगा उठा के, कि 2011-12 में प्रमोद प्रेमी कुछ भी नहीं थे, हम भी स्ट्रगल किए, मेहनत किए उनके साथ रह के, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। वो भी मेहनत किए, हम भी मेहनत किए हैं, तब यहाँ पहुँचे हैं प्रमोद प्रेमी। आपको भनक नहीं लगा कि प्रमोद प्रेमी की दूसरी शादी हो गई, तीसरी शादी हो गई, वहाँ पर भी एक रख रखा है पटना में भी, भनक आपको नहीं लगता था? भनक लग गया, तभी तो साल भर से लड़ाई चल रहा है। तो इतने सालों बाद साले भर से पता चला, 8 साल भी बीत गए। जब पता चला, हम तो बोल रहे कि जब पता चला, जब लॉकडाउन में मुझे पता चला था इनके घर पे मंदिर का पूजा था, तो हम गए थे, जब हमको भनक लगा, जब हम यहाँ आए तो पूरा झगड़ा वगड़ा हुआ, हमको मेरा मारे थे, मेरा पैर टूट गया था, पैर टूट गया था उसका भी प्रमोद प्रेमी मारे थे अपने पूरे, ऐसे पैर में मारे, मेरा पैर टूट गया था, 3 महीना हम बेड रेस्ट किए थे, उसका भी सब मेरे पास सबूत है, जिस तरीके से हमको मारे थे, मेरा पैर टूट गया था। फिर उसके बाद मारे, फिर बोले कि ना कुछ, फिर पंचायत बैठा तो सब लोग बोले कि ऐसे कुछ ना रहे, मतलब शादी हो गई, फिर छोटा छोटी होगा, मतलब 50 जितने लोग आए उतने किस्म का बात किए, और हम अकेले पड़ गए। और आपको पता है कि एक लेडीज को 50 लोग समझाने वाले रहेंगे, वो लेडीज क्या करे? अभी क्या दिक्कतें आ रही है? क्या आप अपना अधिकार मांग रही है, हक मांग रही है? मैं बीवी हूँ तो मुझे वो अधिकार चाहिए। बिल्कुल चाहिए, मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए कहाँ जाऊँगी अब, मैं कहाँ जाऊँ, या तो प्रमोद प्रेमी बता दे कि हम कहाँ जाएं।
तो कोई हमको रास्ता दिखा दे। ऐसा नहीं भी लग रहा।